मेरे बाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफसार हुसैन साहब हैं। हम लोग जो है वो मिलजुल कर पढ़ाते हैं। एक एनाटॉमी ए है, एक एनाटॉमी बी है, इसी में से हम लोग अपना उन्वान को सेलेक्ट करते हैं। कुछ बात आपको मैं एनाटॉमिस्ट के बारे में, जो पुराने मशाहरीन होते हैं उनके बारे में जो कुछ अखवाल जरी हुआ मैं बता रहा हूँ। मल्लम यारफो हैया व तशरीफ अवानी फी मार्फतिल्लाह ताला, जो शख्स हैयत व तशरीफ से नावाकिफ है वो खुदा की मार्फत पे कूड़ा है। उसका दूसरा है कोटेशन, मन अस्तगल ब इल्म तशरीह अजदादा ईमान बिल्लाह, जो शख्स ने तशरीह का इल्म हासिल किया अल्लाह पर उसका ईमान ज्यादा हुआ। तो आप लोग इन सब बातों को सुना कि तशरीह की कितना फजीलत है। ये तशरीह जो है यानी एनाटॉमी डिपार्टमेंट पूरे सेक्शन को, पूरे जो हमारे टिप का सेक्शन है सब पर अहाता करता है। इसको बगैर जाने हुए आप मुकम्मल डॉक्टर हो ही नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले आपको इस इल्म के ऊपर पूरी मेहनत करना है ताकि आप जो है पूरे तौर पर अच्छे तबीब बन के निकलें। अगर इस पर आपने मेहनत नहीं किया तो आप जो है सही तबीब नहीं बनेंगे, कहीं कहीं पर आपकी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए तलबा तलबात गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज का शोबा तशरीह जो है मोहताज तारुफ नहीं है, इसका तारुफ तो मैंने आपको करा ही दिया। ये शोबा पहले पुराने बिल्डिंग में था, वहाँ डिसेक्शन और म्यूजियम हॉल बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म चल रहा था। आजा के मॉडल और अज़ाम पूरे सेट बाकायदा तौर पर थे। जब पुरानी बिल्डिंग मखदूश हो गई और बिल्डिंग को मिसमार करके नई बिल्डिंग बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो नई तामीर शुदा इमारत में दूसरी मंजिल पर इस शोभा को ट्रांसफर किया गया। जब पीजी और बीएमएस की सीट बढ़ी इस शोभा को नई बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल में शिफ्ट किया गया। कोविड-19 में तो ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ जब तक कमोबेश चल रहा है। आबादी से जमाना के तहत ये शोभा इन्हताक का शिकार है, इस शोभा का बढ़ाना हम लोगों का काम है। इन तशरीह यूनानी मेडिसिन का सतून और रीढ़ की हड्डी के मानी है। जो मैंने आपके पहले भी कहा कि इसमें हासिल किए हुए कोई भी मुकम्मल तबीब नहीं हो सकता। मौजूदा हालत यह है कि अब सरकार ने फर्स्ट बीएमएस में 100 से ज्यादा सीट पर दाखिला ले लिया है। अब तलबा तलबात को पढ़ाने का सिलसिला शुरू होगा। बड़ी तादाद में तलबा को पढ़ाना है। अभी असाज़ा की तादाद 3 ही है। असाज़ा की तादाद को बढ़ाकर और मेयारी तालीम को बढ़ाना जरूरी है। इस लाइअमल तैयार करना होगा, रूटीन तलबा का ग्रुप बनाकर क्लास को मुनज़्ज़म करना होगा। टिब्बी कॉलेज अस्पताल हम लोगों का मदर इंस्टीट्यूट है। हम लोगों ने इसी से तालीम हासिल किया। इस वक्त इल्म तशरीह पढ़ाने के लिए जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में मॉडर्न मेडिसिन के असाज़ा पढ़ाया करते थे, वो उर्दू में नोट बनाकर लाते थे और हम लोगों को तहरीर कराते थे। अमली तशरीह का कोई तसव्वुर नहीं था। 1990 से बाकायदा तौर पर यूनानी अतिबा व असाज़ा ने इसकी बागडोर संभाला और इस शोबा को बहुत मजबूत किया। इन असाज़ा में जनाब शाहबुद्दीन साहब साबिक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज और मोहतरम शफीक आजम साहब काबिल जिक्र हैं। मैं बाकायदा तौर पर 2001 में जनाब प्रिंसिपल शाहबुद्दीन साहब के इसरार पर इस फन को पढ़ाने का काम शुरू किया, जब तक निभा रहा हूँ। उन्हीं की तरबियत में रहा और जनाब शफीक आजम साहब ने भी हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं इस शोभा को लेना नहीं चाहता था कि यह शोभा जो है बहुत ही खुश्क है और मुश्किल है थोड़ा पढ़ाना, तो इस मुश्किल फन को पढ़ना आप लोगों के लिए एक चैलेंज है।
और ये फंड ज्यादातर यानी यूनानी टीम में वो उर्दू है, इसके स्क्रिप्ट उर्दू है, इसलिए उर्दू पर भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मान लीजिए साहब वो इंटर की में उर्दू लिया है तो उसका एक अलग मेयार है। अब जो उर्दू आपको पढ़ना होगा वो अरबी और फारसी से मिली हुई उर्दू हमारे यहाँ है, थोड़ा सख्त जरूर है, मगर इसको मैं अपने बच्चों को भी अपने ही डिपार्टमेंट में उर्दू पढ़ा देता हूँ। अगर हमसे आप पूछते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा आप सीख लेंगे, और इंग्लिश भी उसका मैं बता दूंगा, उर्दू बता दूंगा, इसलिए इसके लिए कोई घबराना नहीं है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ ए और बी सेक्शन है, जिसमें के ए और में भी ए एनाटॉमी और बी एनाटॉमी, ए में भी 100 नंबर है और बी में भी 100 नंबर है और प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर है। इस तरह से अब हम लोगों ने 225 घंटों में इसको क्लास को बांट लिया है, और तीनों आदमी हम लोग, तीनों लेक्चरर प्रोफेसर, ये सब हम लोग तीनों मिलकर के इसको पढ़ाते रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इसे फन में दाखिला लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसको आप अपना हिम्मत को नहीं खोएंगे और पढ़ते रहेंगे और एक अच्छे डॉक्टर एक अच्छी तबीब बन के निकलेंगे। ठीक है, खुदा हाँ। हेलो, एक बात और ये कहना है कि आपको अगर कोई बात या सवाल करना है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, और इसमें कोई हम सब उसकी वजाहत भी कर देंगे, जो भी आप सवाल करेंगे उसकी वजाहत होगी। आपके दिल में अगर कोई ऐसी बात है तो आप जरूर रखें मेरे पास, और हमको इस बात की खुशी होगी जो आप अपना सवाल रखेंगे। री एनाटॉमी का बुक जो होगा सर वो इंग्लिश में ही होगा या उर्दू में होगा? सर स्टूडेंट अब आप जो है सुनेंगे डॉक्टर फखरुल सर को, डॉक्टर मोहम्मद फखरुल सर को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किन से रिलेटेड है, अब आप उनको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जवाब दिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हम बोले हेलो, गवर्नमेंट किडनी कॉलेज पटना में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम यानी ट्रांसिशनल कुरिकुलम के तहत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद फखरुल हक इस कॉलेज के शोभा इमराज व तजनियात में एज ए लीडर के ओहदा पर फायर हूँ। हमारे फैकल्टी में 2 टीचर हैं, एक मैं डॉक्टर मोहम्मद फखरुल हक जो एसोसिएट प्रोफेसर, और दूसरा डॉक्टर शाहनवाज अख्तर साहब जो प्रोफेसर के पद पर फायर हैं। आज मैं आपको अपने शोभा के बारे में मुख्तसर तारुफ करना चाहता हूँ। शोभा इमराज जिल व तजनियात पहले एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि ये शोभा मुआलजात मेडिसिन के साथ ही मर्ज था, लेकिन 2013 में ये शोभा मुआलजात से बाइसेकेट होकर एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। शोभा इमराज जील व तरनियात यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्किन एंड डिजीज एंड कैस्मेटोलॉजी में जील के मुख्तलिफ इमराज के साथ साथ जीनत यानी खूबसूरती से मुतालिक इमराज, मसलन बालों के इमराज, नाखून के इमराज वगैरह, और उनको खूबसूरत बनाए और निखारने के मुख्तलिफ तरीकों का इल्म भी हासिल किया जाता है। इस कॉलेज के अस्पताल में इमराज जील व तजनियात की ओपीडी एक सेपरेट ओपीडी की हैसियत से चल रही है, जिसमें रोजाना तकरीबन 80 से 100 मरीज तक आते हैं। हमारे यूनानी सिस्टम और मेडिसिन में जील के तकरीबन सभी इमराज से इलाज मुमकिन है। इमराज जील व तजनियात की ओपीडी में मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन से इलाज कराकर थक चुके हैं, फिर इस ओपीडी में आए और यूनानी अदिया के इलाज से ठीक हुए। और हमारे कॉलेज के अस्पताल में इमराजिल से मुताबिक बहुत सारी मशहूर मुफीद मुरक्कब अदविया दस्तयाब हैं जो कीमती भी हैं, मसलन अतीफल शाहतरा, माजुन उशबा, खमीरा संदल, हब्द मुसफी खून, सफूर बस वगैरह, जिन्हें आम मरीज के लिए खरीदना मुश्किल है। ये तमाम अदविया हमारे इस अस्पताल से सभी मरीजों को मुफ्त दी जाती है।
इमराजील के ओपीडी में रोजाना 80 से 100 मरीज आते हैं जो जी के मुख्तलिफ इमराज के होते हैं, मसलन स्केबीज के, अटिकेरिया के, एक्जिमा के, सोराइसिस के, रिंगवर्म के, पेरिटोनाइटिस के, विटिलिगो के, एलोपेसिया के, इन सारे मरीजों का यूनानी अदवियात के जरिए इलाज किया जाता है। ये सारे मरीज पटना ही की नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। दूर दराज से आए मरीजों को इस अस्पताल के आईपीडी में एडमिट करके इलाज किया जाता है। जब आप लोग फाइनल ईयर में आएंगे तो आप लोग ओपीडी और आईपीडी ड्यूटी में लगेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा इमराजील के मरीजों का एक्सप्लोर होगा, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। वक्त की तंगी को देखते हुए मैं अपने बात यहीं पर खत्म करता हूँ। जी खत्म करता हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। कोई सवाल पूछना आप लोग को तो पूछ सकते हैं। ये जो सिरोसिस बता रहे थे उसके बारे में कुछ बताइए सर। बर्थ बोर्न स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम क्यूरेबल इन यूनानी मेडिसिन। कितने नंबर का पेपर होता है सर? ये बताओ नंबर कितने नंबर का पेपर होता है? कोई भी हम दे देते हैं सैयद मोहम्मद अयूब ने पूछा है कि कितने नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर का पेपर होता है आपका। आप एक्सपर्ट? हाँ सर, जो है वो स्किन के एक्सपर्ट है, यहाँ पे स्किन के जितने भी पेशेंट होते हैं सर ही देखते हैं। क्या स्किन डिजीज के लिए यूनानी में कितना ट्रीटमेंट है हम लोग स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्किन में जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट है वो यूनानी दवाओं का ही है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाएं, अल्टीमेटली आपको जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है वो स्किन के डिजीज में ही मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये अनसाइंटिफिक है, बल्कि ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्किन में जो दवाएं यूज की जाती हैं वो दरअसल मसफियात के कंसेप्ट को लेकर के यूज की जाती है, और मसफियात का अपना एक कंसेप्ट है जो यूनिक है, जो एक्सक्लूसिवली यूनानी के पास ही है और किसी के पास नहीं। दरअसल हम लोग इसका जवाब हम लोग अक्सर जो है पेशेंट को या फिर जो है जो इनिट क्लास है उसको समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं फेलियर रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत उसके बरक्स है। स्किन का डिजीज जब खासतौर से, क्योंकि मैं इसको इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैंने पेशेंट को देखे हैं और ऐसे बहुत सारे इलीट क्लास इवन के जो खुद मेडिकल के मतलब जो है डॉक्टर रहे हैं, यानी एलोपैथ के डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने आकर के क्वेश्चंस भी किया है। उनका एक पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है कि जो ब्लड को इम्प्योर करती है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अक्सर आंसर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका बहुत माकूल आंसर
यह है कि बिल्कुल हमारे ब्लड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लड को इम्प्योर करती हैं। जब आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में कुल्यात जब आप पढ़ेंगे कुल्यात उम्र तबिया में, वहां पे आपको ब्लड के जो है फीचर्स बताए जाएंगे। हमारे जो इम्प्योर का कंसेप्ट है, क्योंकि जनरली जो मॉडल वाले उसको इसीलिए डिनाई करते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं होती जो ब्लड को इम्प्योर करे, लेकिन आप उनसे पूछिए कि सर अगर ब्लड इम्प्योर नहीं होता तो ये बताइए कि सर आप टॉक्सिमिया किसको कहते हैं। अब खुद ही आप उसका उससे जवाब सवाल कीजिए और उनके उससे जवाब दीजिए तो आपको ही जवाब मिल जाएगा कि टॉक्सिमिया का मतलब होता है कि जब ब्लड में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर खराबी हुई तो जाहिर सी बात है ब्लड प्योर नहीं रह गया, ब्लड इम्प्योर हो गया। दूसरी चीज अगर आप उनसे पूछे कि एसिडोसिस क्या होती है सर, तो आपको पता चलेगा कि एसिडोसिस में बेसिकली एसिड की कंडीशन बढ़ जाती है, यानी पीएच उसका पीएच कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्लड में खराबी हो रही। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमारा जो हम लोग जो ट्रीट करते हैं स्किन डिजीज में कभी भी स्किन डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ जो है इंटरनली नहीं होता या एक्सटर्नली नहीं होता है, बल्कि उसको हमारे यहाँ मैंने बताया अभी इससे पहले भी ये बात आई थी, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, एक पार्ट ये भी है कि हम उस डिजीज की माहियत को समझते हैं, उसकी मर्जी कैफियत को समझते हैं, उसके मिजाज को समझते हैं और उसके हिसाब से फिर हम दवा की तजवीज करते हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है सिर्फ हम उसको दवा ही नहीं देते हैं, बल्कि दवा के साथ साथ एक्सटर्नली अगर एप्लीकेशन है तो वो भी यूज करते हैं। और यूनानी सिस्टम में ये जो है ऐसा नहीं कि अभी, बल्कि ये जो है यूनानी सिस्टम मेरे ख्याल से जब से रहा होगा तब से जो है ऐसी दवाओं की मतलब जो फरावानी रही है कि उसको हम लोग एज ए लोकल इस्तेमाल करते हैं और एज ए इंटरनल इस्तेमाल करते हैं। तो अब रहा सवाल कि कौन कौन सी डिजीज, तो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हर डिजीज को हम लोग ट्रीट करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम हर डिजीज को क्योर नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट करना अलग चीज है, क्योर करना अलग चीज है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको क्योर नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, उसको एक लेवल तक मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जो डिजेनरेटिव डिजीज है, जाहिर सी बात है डिजेनरेटिव डिजीज को हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करते हैं। इवन सोरेसिस के केस में आप जब देखेंगे कि बहुत सारे सोरेसिस के केस ऐसे हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन जहां मतलब समझे कि एक तरह से फेल्योर की तरफ चला जाता है या नहीं हो पाता, या ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो बहुत टॉक्सिक होती हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अगर कभी मतलब विजिट करने का मौका मिला, आप हैदराबाद में जाएंगे, वहां पे एक यूनिट है जहाँ पे सोरेसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है और प्योरली यूनानी से ट्रीटमेंट किया जाता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हैदराबाद में ही किया जाता है, बल्कि ये आपके अलग अलग जो हमारे यहाँ रिसर्च यूनिट्स हैं वहां पे भी किए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शोभा है कि जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं और इस महारत को हासिल करने के बाद आप इसमें एक नाम कमा सकते हैं। और स्किन में इसलिए भी ये मतलब जो है यह है कि क्या बोलते हैं, इसके इफेक्ट अच्छे हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास स्किन में एक तरह की दवाई नहीं है। जैसे मॉडर्न में अगर आप कहें कि उनके यहाँ फंगल का है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास मसफियात की भी एक लंबी लिस्ट है। एक ही मसफियात को हम हर डिजीज में नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग मसफियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। माजून की शक्ल में भी मसफियात मौजूद है, शरबत की शक्ल में भी मौजूद है, टेबलेट की शक्ल में भी मौजूद है, कैप्सूल की शक्ल में भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है हर फॉर्म में मौजूद है, और हर ड्रग्स के अपने जो है मतलब उनकी इंडिकेशन है, उस हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। और मैंने कहा कि चूंकि हम लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ज्यादातर जो स्किन का मैनिफेस्टेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड की खराबी होती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूनानी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ ये नहीं कि आपको आप ये ना कहें कि मतलब हमें अगर किसी को स्कैबीज है तो हम स्कैबीज के लिए मतलब ये नहीं, बल्कि स्कैबीज है तो उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को देखते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखते हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है बेसिकली इलाज करने का वो इलाज भी जिद का तरीका है। बहुत सारे स्किन डिजीज ऐसे हैं जो हम इलाज बिल मिस्ल के जरिए उसको ट्रीट करते हैं। अब इलाज बिल जिद और इलाज बिल मिस्ल क्या चीज है, जाहिर सी बात है ये आपको नहीं पता होगा। दरअसल इलाज बिल मिस्ल कहते हैं सिमिलर ट्रीटमेंट को, यानी जिस तरह का मिजाज है या जो हमारी बॉडी की कंडीशन है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम उसको इलाज बिल मिस्ल कहते हैं। और इलाज बिल जिद मतलब कंट्रा लेटर कह सकते हैं।
तो उसमें क्या करते हैं, अपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हमारे बॉडी का अगर मिजाज अगर गर्म खुश्क है मान लीजिए, तो हम उसमें जो है क्या करते हैं कि बारिद रतब का दवा जो हमारी जो दवा का हमारे जो हमने कहा आपको इससे पहले भी बताया था कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पेशेंट का मिजाज देखते हैं, डिजीज का मिजाज देखते हैं, इवन हम लोग जो ड्रेस यूज करते हैं उसका भी एक टेम्परामेंट होता है। ये आपको पढ़ाए जाएंगे आगे में, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपको जो है सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आप उन चीजों से आशना होंगे, आपको उनके बारे में मालूम होंगे, तो तभी चीजें भी समझ में आएंगी। लेकिन अभी सिर्फ उसके लिए इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ट्रीटमेंट के बहुत सारे उसूल हैं, आपको उस उसूल के तहत ट्रीटमेंट करना होता है। इलाज बिलमिसल का हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं वहां पर जाहिर सी बात है, जहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे स्किन डिजीज ऐसे होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में हम लोग जो है न्यूट्रिशन देकर के भी उसको जो है ट्रीट करते हैं। तो वो देखना होता है, उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को पता करना होता है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस लेवल पर प्रॉब्लम है, किस किस चीज को फोकस किया जा सकता है, कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती है। या आपके कहना के ये हिकमत है, आपको इसमें हिकमत यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दवा यूज कर ली और आप जो है जब आपको बताया जाएगा तो आपको वहां पे इंडिविजुअल टेम्परामेंट के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि चार तरह के टेम्परामेंट होते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग में भी चार तरह के लोग पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो बीमारी किसी एक को तो नहीं कह सकते कि इसी को होगी, वो जो डिफरेंट टेम्परामेंट वाले लोगों को हो रहा, तो जाहिर सी बात है उसके टेम्परामेंट के हिसाब से भी ड्रग चेंज होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जवाब मुझे लगता है कि आपको देने की कोशिश की है, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, डॉक्टर नजीब साहब अगर आप ज्वाइन हैं।